हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बायोफ्लॉक में रेशन की बात करेंगे। तो हमने अक्सर बायोफ्लॉक में ये देखा है कि प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं वो एरेशन की वजह से ही आती हैं, क्योंकि और कोई वजह नहीं, अधिकतर यही वजह होती है। 70 से 80% जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एरेशन की वजह से होती हैं। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्टोन्स बहुत जल्दी जाम हो जा रहे हैं और फिर उनको नया लगाना पड़ रहा है। तो क्या मतलब रह जाएगा अगर महंगे महंगे हम स्टोन्स बार बार बदलते रहेंगे, तो फिर बेनिफिट हमें मछली पालन में नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपने जितने भी स्टोन्स थे इस टैंक में, आप देख रहे होंगे स्टोन भले ही लटके हुए हैं मगर इन सभी स्टोन्स को हमने बंद कर दिया है। एक भी एयर स्टोन इसमें काम नहीं कर रहा है, खाली इस तरह लटके हुए हैं, सबको बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ हम एयर ट्यूब से ही काम चला रहे हैं अपना। एयर ट्यूब में भी हमने स्पाइडर लगा रखा है। स्पाइडर भी कई तरह के आते हैं और एयर ट्यूब भी आपकी 2-3 तरह की आती हैं। तो हमने रिंग ब्लोअर नहीं चलाते हैं, हम डायफ्राम सम से ही एयर ट्यूब चलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ये डायफ्राम पंप की लाइन है और इसी में हमने ये स्टोन के जो पॉइंट्स हैं वो लगा रखे हैं। ये सब पॉइंट्स हमने बंद कर दिए हैं पूरी तरह से, अब ये नहीं चल रहे हैं। और हमने इसी लाइन में इस तरह से एक टी लगाकर और इस तरह से एक टी लगाकर ऐसे एक यहाँ पे लगा दिया है, एक यहाँ पे कंट्रोल लगा दिया है, एक यहाँ पे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने लगा के और ये पाइप निकाल के लेटरल पाइप हमने इस टैंक में दे दिया है। और ये डायफ्राम की ही लाइन है और यहाँ पे फिर से ये पाइप आगे आके यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा के और यहाँ पे एक आई लगा के इसको ऐसे हमने दे दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसे सिर्फ अब स्पाइडर से ही चला रहे हैं। और आप भी ऐसे ही कीजिए तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं किस तरह से हमने इसे लगा रखा है। देखिए देखिए, ये स्पाइडर है। अभी हम आपको इसे अच्छे से दिखाएंगे भी। इस तरह से हमने इसे गोल करके लगा रखा है। देखिए इसी तरह से आप लगाएंगे, देखिए कितना बढ़िया इसका एरेशन होता है। और ये आपका जाम भी होगा तो आप इसे आराम से निकाल के बदल सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। और ये आपका जल्दी जाम होगा भी नहीं, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एरेशन देखिए कितना बढ़िया एरेशन है। हमने इसमें 4 सिर्फ लगा रखे हैं, ये स्पाइडर 4 लगा रखे हैं और 35,000 लीटर टैंक में भरपूर एरेशन हो रहा है इससे। और हमने इसे डायफ्राम पंप की लाइन से जोड़ रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये 24 घंटे चलते हैं और इतने से ही भरपूर एरेशन होता है। डायफ्राम पंप से आपका स्टोन से भी उतना एरेशन अच्छा नहीं होगा। पंप भले चलता रहेगा, स्टोन से एरेशन भी अच्छा नहीं होगा। और आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, आप स्पाइडर लगाएंगे तो आपका एरेशन बहुत ही अच्छा होगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप यही कीजिए इस तरह का। आप यहाँ पे अगर आप स्पाइडर चाहे तो हमसे भी मंगा सकते हैं, आप जो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके हमसे स्पाइडर मंगा सकते हैं, या फिर आपको कहीं और से सहूलियत है तो आप वहाँ से मंगा लिए। मगर स्पाइडर का ही इस्तेमाल कीजिए और ट्यूब का ही, एयर ट्यूब का ही इस्तेमाल कीजिए। भले आप डायफ्राम पंप चला रहे हैं मगर एयर ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, स्टोन कामयाब नहीं है। अपनी अंदर वाली जो टैंक है उनमें भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारा अंदर जो टैंक लगा हुआ है 25,000 लीटर का, इसमें भी हमने ये देखिए सेम सिस्टम लगा रखा है। यहाँ पे टी लगा के और इस तरह से 2 कंट्रोलर लगा रखे हैं और यहाँ पे ले जाके ये एंड पे इस तरह से एक लगा रखा है, यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा रखा है और दूसरा एंड जो है उस पर भी लगा रखा है। इसमें भी जितने लगे हुए हैं पॉइंट्स ये सब हमने बंद कर दिए हैं। स्टोन एक भी नहीं इसमें चल रहा है, सिर्फ एयर ट्यूब चल रही हैं। और देखिए कितना शानदार एरेशन है, चारों तरफ आपका झाग दिख रहा होगा। इसमें एरेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने रूपचंदा मछली डाल रखी है और रूपचंदा का ऐसा है कि अगर थोड़ा भी एरेशन कम होगा तो वो खाना छोड़ देगी। इसको एरेशन बहुत चाहिए और एरेशन आपका जितना अच्छा रहेगा ये उतनी अच्छी ग्रोथ लेगी, उतना ज़्यादा खाना खाएगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ना स्लज की ना अदर कोई दिक्कत होगी। तो इसमें भी हमने इसी तरह लगा रखा है और बहुत बढ़िया एरेशन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक हम स्टोन चला रहे थे, स्टोन में ही होता था कि अक्सर ये जो पाइप है ये रूपचंदा काट देती हैं, चाहे स्टोन भी इसमें एकदम बहुत जल्दी जल्दी जाम हो रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं था उसके, इसलिए स्टोन हमने बंद कर दिए। और इसी तरह से हम सब डायफ्राम से ही चला रहे हैं। अभी टोटल अपना सिस्टम डायफ्राम से चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और आप भी डायफ्राम लगाइए, डायफ्राम पंप से ही अपना स्पाइडर चलाइए। और स्पाइडर आप चाहे तो हमसे भी मंगा सकते हैं और चाहे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्पाइडर खरीद सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया एरेशन है। आपको अगर
टेंशन फ्री कल्चर करना है तो आप स्पाइडर ही लगाइए, और स्पाइडर में कोई झंझट नहीं है, आपको तुरंत बदलने में भी आसानी है और रेशन भी बहुत तगड़ा है। अभी तो हमने ये पॉइंट बहुत कम कम खोल रखे हैं, आधा आधा ही हाफ से भी कम खोल रखा है, अगर पूरा खोल देंगे तो इसका रेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। चलिए मैं आपको अच्छे से और दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ लेटरल पाइप पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये जो है ये इसके कैप्स हैं ऊपर वाले, और ये जो है ये आपका स्पाइडर है। ये मोटा वाला स्पाइडर है, एक पतला वाला स्पाइडर आता है तो वो उतना अच्छा नहीं है वो। इसमें 16 इंच की आपकी ट्यूब लगेगी, और ये देखिए इसमें ऐसे 6 पॉइंट दिए होंगे आपको। आप 18 या 16 इंच के एयर ट्यूब के टुकड़े काट के एक पॉइंट यहाँ से लेके ऐसे घुमा के इसमें दे दीजिए, और दूसरे पॉइंट ऐसे घुमा के ऐसे दे दीजिए, और इसको आपको इसके ऊपर कस लेना है, और यहाँ पे इनपुट दे देना है, और यहाँ से बहुत बढ़िया इसका आउटपुट है। तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और बहुत बढ़िया ये काम करता है, ठीक है, इससे आपका एरेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था एरेशन पे एक छोटा सा वीडियो, जो हमने बताया आपको कि एरेशन के लिए आप पहले वाली पद्धति स्टोन का इस्तेमाल ना कीजिए, अब आप एयर ट्यूब का ही इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका कल्चर अच्छे से होगा, टेंशन फ्री होगा, और आपकी मछली बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगी। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।